नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। भारतीय सेना ने पहली बार अपनी महिला सैनिकों को कश्मीर में एलओसी के पास तैनात किया है। असम राइफल्स की ये महिला सैनिक उत्तर कश्मीर में एलओसी से सटे कुपवाड़ा में तैनात की गई हैं। महिला सैनिकों की तैनाती उस समय की गई जब लद्दाख में भारत और चीन की सेना आमने सामने खड़ी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर घुसपैठ की कोशिशों में लगा है। असम राइफल की महिला सैनिक एलओसी की तरफ आने जाने वाले मार्गों पर चौकस निगाह गड़ाए हैं और दुश्मन की हर साजिश को नाकाम बनाने में जुटी हैं। जम्मू कश्मीर के नियंत्रण रेखा के पास के दुर्गम क्षेत्रों में पहली बार बंदूकें थामे महिला सैनिक दिखाई दे रही हैं। हालांकि सीआरपीएफ की महिला वाहिनी दो दशक से तैनात है। नियंत्रण रेखा पर महिला सैनिकों की तैनाती को लेकर सेना का कहना है कि सीमा पार से हो रही हथियारों और नशीली पदार्थों की स्मगलिंग को रोकने में इन महिला सैनिकों का सहयोग काफी मददगार साबित होगा। पिछले कुछ सालों से आतंकी संगठन हथियारों की तस्करी और नशीली पदार्थों की तस्करी के लिए महिलाओं का सहारा ले रहे हैं। ये महिला सैनिक महिलाओं की तलाशी कर सकती हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।